फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमें राजनीति विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करना है। तो इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि व्यवहारवाद किसे कहते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद, ये उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए प्रतिपादित किया गया। ये विचारधारा भी डेविड ईस्टन द्वारा ही दी गई है। व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक विज्ञान की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी, इसीलिए उसमें तकनीकी को अधिक महत्व दिया गया व मूल्यों को नकारा गया या उनके अस्तित्व को कम महत्व दिया गया। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि व्यवहारवाद एक निरर्थक प्रयास कर रहा था जो कि असंभव था। सामाजिक विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह बदलने की कोशिश कर रहा था जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, और उसके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए और जो भी कार्य किए गए वो समय व धन दोनों की ही बर्बादी थी। इसीलिए स्वयं डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवाद के भी प्रवर्तक थे, उन्होंने स्वयं व्यवहारवाद की कटु आलोचनाएं की है और उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो आइए जानते हैं व्यवहारवाद। 1969 में अमेरिकी न्यूयॉर्क में अमेरिकी पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कटु आलोचनाएं की गई और उस पर एक प्रहार किया और बताया कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है और अपने उत्तर व्यवहारवाद के बारे में उन्होंने समझाया। तो आइए वही बताते हैं। तो हमने जैसा बताया कि अमेरिका के पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में 1969 में ईस्टन ने व्यवहारवाद के पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तरवाद के बताते हुए कहा कि उत्तरवाद क्या है, यह एक सुधार का प्रयास है, व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया नहीं है। तो उन्होंने क्या बताया कि हम ये बिल्कुल अपोजिट नहीं है, व्यवहारवाद के विरुद्ध नहीं है, बल्कि एक व्यवहारवाद का जो प्रोसेस है उसमें सुधार का प्रयास है। उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों और तथ्यों में समन्वय करता है। तो एक और जहां व्यवहारवाद ने क्या किया कि मूल्यों से निरपेक्ष हो गया था और सिर्फ तथ्यों पर जोर दिया और वैज्ञानिक तकनीकी पर जोर देते हुए पूरा रूढ़िवादिता उसमें आ गई थी। तो उसी रूढ़िवादिता को दूर करते हुए डेविड ईस्टन ने यह महसूस किया कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों का और तथ्यों का दोनों का ही अपना महत्व है। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है और उसे आप मूल्य से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों और तथ्यों में समन्वय करता है। उन्होंने उत्तरवाद का अर्थ बताते हुए कहा यह एक क्रांति है ना कि प्रतिक्रिया, विकास है ना कि अनुरक्षण, आगे की दिशा में एक कदम है ना कि पीछे हटने की प्रवृत्ति, यह एक आंदोलन भी है और एक बौद्धिक प्रवृत्ति है। तो डेविड ईस्टन ने क्या कहा कि व्यवहारवाद में कुछ कमियां थी, उन कमियों को सुधार करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ और ये एक क्रांति है, इट्स अ रिवॉल्यूशन, और ये एक अनुरक्षण है, आगे की दिशा है, ये आगे की एक दिशा है जिसमें ये बताया जाएगा कि हम आगे क्या करेंगे और समाज में सुधार करने की और जो व्यवहारवाद में कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास यहाँ डेविड ईस्टन द्वारा किया गया। तो बताएंगे इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद के दो लक्ष्य रखे, प्रासंगिकता और कार्यात्मकता। इन्होंने बताया कि जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं
और जो हमारे बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ विचारक हैं, उन्हें ऐसे कार्य करने चाहिए जो समाज के लिए प्रासंगिक हो, जिनका महत्व समाज के लिए हो, जिनकी उपयोगिता समाज के लिए हो, और ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करने चाहिए जो कार्य में बदले जा सके, कार्य रूप में, जिनको हम कार्य रूप में क्रियान्वित कर सके। तो इस तरीके से इनके उत्तर व्यवहारवाद के दो लक्ष्य हैं, प्रासंगिकता और कार्यात्मकता। इन्होंने एक वो दिया क्रीडो ऑफ रिलीवेंस, मींस रिलीवेंस मींस होता है प्रासंगिकता, और क्रीडो मींस होता है किसी भी कार्य करने को जो करने के नियम है या सिद्धांत है उनको क्रीडो कहते हैं। तो एक तरह से अगर सामान्य भाषा में इसका अर्थ ले लिया जाए तो कहेंगे कार्य की उपयोगिता या प्रासंगिकता, मींस आप जो कार्य कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, वो समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, उसका महत्व है या नहीं। तो व्यवहारवाद के द्वारा जो इससे पहले कार्य किए गए थे वो निरर्थक प्रयास किए जा रहे थे, और वो प्रयास किस ओर थे कि राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जो अपने आप में असंभव था। और ये देखा गया कि काफी प्रयास करने के बावजूद जो कार्य था वो अपने उद्देश्य में तो पूर्ति नहीं प्राप्त कर सके, बल्कि उनका क्या हुआ कि उस समय में जो घटनाएं चल रही थी, जैसे अमेरिका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, परमाणु हथियार बनने लग गए थे, और वियतनाम क्रांति हो रही थी, वियतनाम युद्ध छिड़ गया था, तो इस तरीके की जो सामाजिक और समय समय पे जो क्रांतियां और समाज में दिक्कतें आती हैं, उनसे वो उभरने का कोई डिसीजन नहीं ले पाए, कोई उपाय ही नहीं बता पाए। जबकि उनका जो कॉन्सेप्ट था या राजनीति विज्ञान जो है वो समय विशेष पर जो चीजें समाज में आ रही हैं, जो बुराइयां आ रही हैं और जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन समस्याओं को दूर करना होता है, जिस उद्देश्य की पूर्ति वो कर ही नहीं पाए, इसीलिए भी व्यवहारवाद की जगह उत्तर व्यवहारवाद को आगे लाया गया। और इसने दो चीजों पे किस पे फोकस किया, इनके क्या उद्देश्य थे, दो लक्ष्य थे प्रासंगिकता और कार्यात्मकता, और इनका उद्देश्य क्या था, इट्स फोकस ऑन करंट इश्यूज। ये क्या थे कि उस समय में वर्तमान में जो करंट सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग उन इश्यू पर, उन समस्याओं पर फोकस किया जाए, ध्यान अपना केंद्रित किया जाए कि समय विशेष पर जिस समय में हम हैं उस समय राजनीति में, समाज में, राज्य में, राष्ट्र में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया जाए, जिसमें व्यवहारवाद ने नहीं कर पाया। तो पहला इनका क्या है, इट्स फोकस ऑन करंट इश्यूज। दूसरा इनका क्या उद्देश्य रहा, सॉल्विंग ऑफ रियल प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी की, जो समाज की यथार्थ में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की ओर हम अपना ध्यान केंद्रित करें और उन समस्याओं का समाधान ढूंढें, ये हमारा राजनीति का कॉन्सेप्ट कहता है। और व्यवहारवाद कहीं ना कहीं सिर्फ वैज्ञानिकता और तथ्यों के ऊपर ही अपना केंद्र बिंदु मान रहा था और उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जिससे कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तो नहीं कर पाया और उसकी उपयोगिता भी समाज के लिए कम हो जाती है। तो इस तरीके से डेविड ईस्टन ने स्वयं के विचार में जो कमियां थी उन कमियों को स्वयं पहचाना और उनको दूर करने के लिए अपना उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट हमें दिया। तो आइए जानते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद के उत्पत्ति के क्या कारण है, क्या वो कारण रहे जिनके कारण उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट दिया गया, उत्तर व्यवहारवाद के उदय के कारण। तो पहला कारण क्या था कि व्यवहारवाद में रूढ़िवादिता और दिशाहीनता आ गई थी। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था उसमें कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता और दिशाहीनता आ गई थी, इसके कारण भी उत्तर व्यवहारवाद का अस्तित्व आया। तो जिस तरीके से हमने बताया था कि व्यवहारवाद की उत्पत्ति क्यों हुई, चूंकि हमारे जो परंपरावादी दृष्टिकोण थे उसके प्रति लोगों का रुझान कम हुआ और उसकी कमियों के कारण व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है, लेकिन व्यवहारवाद में भी बहुत सी कमियां थी। और वो कमी क्या थी कि व्यवहारवाद
वैज्ञानिकता और तथ्य को ही लेके बैठा था और ऐसे शोध कर रहा था जो कि साकार रूप जिनको हम दे ही नहीं सकते हैं। तो इस कारण से उसका जो कार्य करने का तरीका था उसमें एक रूढ़िवादिता आ गई थी और वो दिशाहीन हो गया था। वो ऐसे कार्य कर रहा था जिसकी कोई आगे दिशा ही नहीं है। तो इस तरीके से भी ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि उत्तर व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है। दूसरा इसका क्या कारण है कि सामाजिक विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान की तरह लागू करना घातक हो सकता है। मींस कि सामाजिक जो विज्ञान है जैसे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, तो इन विज्ञानों को अगर हम चाहें कि प्राकृतिक विज्ञान के प्राकृतिक विज्ञान की भांति हम इन्हें बदल दें और प्रस्तुत कर दें तो ये अपने आप में बहुत हानिकारक हो सकता है समाज के लिए भी, राजनीति के लिए भी, क्योंकि राजनीति का जो अपना उद्देश्य है उससे वो भटक जाएगा। तो इस तरीके से हम जो प्रयास व्यवहारवाद के द्वारा कर रहे थे उस समय में कि वैज्ञानिक बनाने की कोशिश कर रहे थे वो निरर्थक थी, तो जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए घातक हो सकती है। तीसरा इसका कारण क्या था, तथ्यों व मूल्यों दोनों की उपयोगिता राजनीतिक विज्ञान में। तो अगर आप मूल्यों पर फोकस नहीं करेंगे और तथ्यों को लेके चलेंगे तो हम राजनीतिक विज्ञान की जो उपयोगिता है उसमें कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान जो है वहां निर्णय लिए जाते हैं, सर्वोच्च संस्था है और शासन व्यवस्था उसके द्वारा लागू होती है, तो वह वैल्यूज की अपनी उपयोगिता बढ़ जाती है। अगर हम वहां वैल्यूज को अलग कर देंगे, सिर्फ तथ्य को लेके चलेंगे तो सबके हित में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज ही हैं जो हमें दिशा निर्देश देती है क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरीके से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों की अपनी योग्यता और अपनी उपयोगिता है, अपना महत्व है और इन दोनों का समावेश करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए भी उत्तर व्यवहारवाद निकलकर सामने आता है। चौथा क्या रीजन था, व्यवहारवाद राजनीतिक समस्या के बारे में उचित समाधान प्रस्तुत ना कर सका। तो जो राजनीतिक समस्याएं उस समय में चल रही थी उन समस्याओं पर वो अपना ध्यान ही केंद्रित नहीं कर सका और कोई उपाय ही नहीं दे सका जिससे कि उन समस्याओं से बचा जा सके, इसलिए भी उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। और डेविड ईस्टर कहते हैं या और विचारक जो थे वो ये कहते थे कि ऐसे सिद्धांत की, ऐसी खोजों की, ऐसे नियमों की क्या आवश्यकता है जो समाज में किसी समस्या का समाधान ही ना कर सके, जो सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या है और क्या होना चाहिए उसको बेटर बनाने की कोशिश ना कर सके। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसका जन्म इसलिए हुआ ताकि समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान किया जा सके और समाज में सुधार किया जा सके। तो जब समाज में सुधार किया जा सकेगा तभी हम राजनीति अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि उत्तर व्यवहारवाद के उदय के क्या कारण रहे। अब हम जानते हैं कि डेविड ईस्टन ने क्या बताया कि उत्तर व्यवहारवाद की कितनी विशेषताएं हैं, और पहले उसने व्यवहारवाद जब दिया था कॉन्सेप्ट तो उसकी विशेषताएं क्या बताई, तो उसके 8 विशेषताएं दी थी जो विशेषताएं हमारे वैज्ञानिक जो विषय है उन पर आधारित थी, लेकिन हम इसकी विशेषताएं देखेंगे कि इनमें क्या संशोधन हुआ। तो पहली विशेषता क्या कहती है कि तथ्य तकनीक से पहले है। मीन्स कि हमने जो डाटा कलेक्ट किए हैं, हमारे जो तथ्य हैं वो पहले हैं, ना कि टेक्निक। तकनीक तो वो पद्धति है जिससे कि हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं या ला रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि अगर कोई तकनीक आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रही है तो आप उसे छोड़ दीजिए, बल्कि अपने तथ्य पे फोकस कीजिए। क्योंकि व्यवहारवाद में यही कमी थी कि वो क्या कर रहा था, तथ्यों पे फोकस कर रहा था, तकनीक पे फोकस कर रहा था, जबकि वो क्या कर रहा था कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो बना है उस लक्ष्य से विचलित हो रहा था। तो यही कमी दूर करने के लिए इसमें क्या समन्वय किया गया, इसको में क्या विशेषता जोड़ी गई कि तथ्य तकनीक से पहले है। तो हमारा जो लक्ष्य है और जो हमारे पास डेटा है वो पहले है, ना कि वो तकनीक जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य के प्राप्त कर सकेंगे।
दूसरी क्या विशेषता है? यथार्थताओं को अपनाना, मीन्स रियलिटी जो है उसको अपना कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद ने क्या बताया? उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि हमें जैसे हैं जो है वास्तविकता को लेकर ही आगे बढ़ना है। अगर आप वास्तविकता से मुंह मोड़ लेंगे या अलग हट जाएंगे, उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे और नया कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि एक तो हम अपने उद्देश्य से भटकेंगे और दूसरा हमारे जो द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उसमें सिर्फ हमारी शक्ति की निरर्थक बर्बादी होती चली जाएगी और कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा, जैसा कि व्यवहारवादियों ने किया। कि क्या किया था कि वो राजनीति विज्ञान को एक प्राकृतिक विज्ञान की तरह प्रस्तुत करने में लगे रहे और जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं ढूंढ पाए। जो यथार्थ स्वरूप था उसको वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, और जब तक आप यथार्थता को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकते, बल्कि उसको आप सुधार तो नहीं कर पाएंगे बल्कि उसका स्वरूप जो है उसको भी खराब कर देंगे। तो हमारी उत्तर व्यवहारवाद की क्या विशेषता थी? यथार्थताओं को अपनाना, रियलिटी जो है उसको आप एक्सेप्ट करें और उसके साथ ही अपना परिवर्तन लाने की कोशिश करें। तीसरी हमारी क्या वो थी विशेषता? मूल्यों को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो वैल्यूज हैं वो राजनीति का अटूट हिस्सा है। आप अगर वैल्यूज को राजनीति से हटा देंगे तो जो राजनीतिक विचारधारा होगी वो पथभ्रष्ट हो जाएगी। जैसे आपने अराजकता आ जाएगी राष्ट्र में, निरंकुशता आ जाएगी, चूंकि राज्य का अस्तित्व ही मानव हित के लिए हुआ है, मनुष्य के लिए जो चीज बनी है कि मनुष्य का हित करे, समाज का कल्याण करे, लेकिन उसमें वैल्यूज ही नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक जाएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में मूल्यों का बहुत महत्व है और हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है विद्वान वर्तमान समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी निभाए। तो इन्होंने क्या बताया? उत्तर व्यवहारवाद के कॉन्सेप्ट के द्वारा डेविड ईस्टन ने बताया कि हमारे जो समाज में विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं, वो क्या करें? वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करें और अपने ज्ञान को समाज कल्याण के कार्य में लगाएं। वो सिर्फ समस्याएं जो है उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और उन समस्याओं के प्रति जागरूक होकर उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करें। क्योंकि हमने नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो हमारा विशेषज्ञ वर्ग है, जो हमारा बौद्धिक स्तर से तीव्र बुद्धि वाला वर्ग है, वो क्या करता है? राजनीति से अपना अलग थलग हो जाता है, कहता है कि इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा वो वर्ग है जो कि किन्हीं समस्याओं को दूर करने में सहायता कर सकता है। और चूंकि राष्ट्र का एक नागरिक होने के कारण सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य के विकास में अपना योगदान दे, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उनको क्या करना है? वर्तमान की समस्याओं से अनभिज्ञ नहीं रहना है, बल्कि उन समस्याओं के प्रति जागरूक होना है और उन समस्याओं को दूर करने के लिए अपना पूरा योगदान देना है। पांचवा हमारा टॉपिक आता है समाज में बदलाव। तो उत्तर व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो कहता था कि हमें अपने विचारों से समाज में बदलाव लाना है। जो समाज में बुराइयां हैं, जो अराजकता फैली है, जो लोगों में दूषित विचार आ गए हैं, तो उन विचारों को दूर कौन करेगा? तो उत्तर व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि समाज में बदलाव करना है और इसके ओर अपना ध्यान केंद्रित करना और सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ज्ञान को क्रियान्वित करें, इनका छठा जो विशेषता है वो बताते हैं डेविड ईस्टन कि जो ज्ञान है उसको क्रियान्वित करना है। क्या कहते हैं? कि हमें ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है जो हम ज्ञान तो बहुत पा लिए पढ़ पढ़ के, लेकिन हम उस ज्ञान का कहीं उसको अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें उसको अप्लाई करना, उसका प्रयोग करना है, तभी वो ज्ञान सार्थक होगा। ज्ञान सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बल्कि उस ज्ञान की उपयोगिता तब सिद्ध होती है जब हम किसी और के लिए या समाज के लिए कुछ नया करें। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो भी खोज हो रही है, जो भी आविष्कार हो रहे हैं, जो भी शोध हो रहे हैं, वो सिर्फ निष्कर्ष के लिए ना हो, बल्कि वो किस लिए हो कि उनका प्रयोग किया जा सके।
तो बौद्धिक स्तर पर जो हमारा वर्ग बैठा हुआ है, जो मानसिक रूप से बहुत विकसित हैं, जिनका बौद्धिक लेवल उनका तीव्र है, तो उनको क्या करना है कि ज्ञान तो प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपने तक सीमित ना करें बल्कि उसको प्रयोग में लाएं। तो ये इनकी छठी विशेषता थी। लास्ट इनकी सातवीं विशेषता बताती है कि तथ्यों के विश्लेषण के साथ उनका प्रयोग करें। तो जो डाटा एनालिसिस जो करते हैं या जो रिसर्च वर्क करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको तरीके से विश्लेषण उसका करके देखते हैं कि उनकी क्या उपयोगिता है। तो इन्होंने क्या बताया कि सिर्फ खोज और शोध इसलिए नहीं होने चाहिए कि वो सिर्फ तथ्यों का विश्लेषण करें, बल्कि उनका प्रयोग समाज में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यवहारवाद ने जो उत्तर व्यवहारवाद ने वास्तविकता में उन चीजों पर फोकस किया जो कमी उसकी व्यवहारवाद के समय रह गई थी। इसीलिए हम देखते हैं कि डेविड इंस्टेंट स्वयं जो अपने व्यवहारवाद का उन्होंने सिद्धांत कॉन्सेप्ट दिया, विचारधारा दी, और उसी के खुद विरोधी बने और उसमें सुधार करने की कोशिश करके उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया। तो ये जो विचारधारा है वो अपने आप में बहुत प्रमुख हो जाती है। डेविड ईस्टन का ही एक कथन है कि कर्महीन ज्ञान निष्फल है, वह ज्ञान का फल कर्म है। तो ये क्या कहते हैं कि कर्महीन मीन्स अगर ज्ञान तो है लेकिन उसे कर्म में नहीं परिवर्तित किया जा रहा है तो वो निष्फल है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, बेकार है। ज्ञान का फल कर्म है। ये क्या कहते हैं कि नॉलेज जो है वो हमने पाई है तो उसको अचीव जो किया है हमने, उसका फल तभी मिलेगा, उसका फल तभी है, उसका रिजल्ट तभी आएगा जब हम उसे कार्य में परिवर्तित करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन की जो उदारवाद की उत्तर व्यवहारवाद की जो संकल्पना है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे राजनीति में एक नया बिंदु देती है जिसमें कि राजनीति को प्रभावित करके और उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने की कोशिश की। और डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कॉन्सेप्ट के द्वारा राजनीति को एक प्रोफेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में चुनने की बात की। चूंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो राजनीति से बिल्कुल अनजान रहने की बात करता है और राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता, पार्टिसिपेट नहीं करता है, इससे राजनीति सही रूप से कार्य नहीं करती है। तो इसलिए उस वर्ग को राजनीति में लाने के लिए राजनीति को व्यवसाय के रूप में चुनने की बात भी इन्होंने बताई है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और इसने जो व्यवहारवाद के समय में जो कमी रखी थी कि तथ्यों को लेके चला, मूल्यों को छोड़ा, उस कमी को सुधार करते हुए बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं और वो आलोचना क्या कह के करते हैं कि जो उत्तर व्यवहारवाद का विचारधारा है उसमें ये अमेरिकी विचारों से प्रभावित है और ये इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हैं अमेरिकी मूल्यों से कि ये वैज्ञानिकता को पीछे छोड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद जो इसके महत्व है उसको नकारा नहीं जा सकता और राजनीति में उत्तर व्यवहारवाद व व्यवहारवाद दोनों ही विचारधारा डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई है, चार्ल्स मैरियम के द्वारा दी गई और बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा है जिसका महत्व बना रहेगा